नगर निगम द्वारा दीपावली मेले का आयोजन गांधी पार्क में किया गया। जनपद सहारनपुर में 4 तारीख तक मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी नगर वासियों से अपील की। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। नगर निगम के सौजन्य से मेले का आयोजन किया गया है, क्या पूरा किस तरह से इसकी व्यवस्था रहेगी, क्या आज का कार्यक्रम है और कब तक ये चलेगा, किस तरह का? ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सभी नगर निगमों में और सभी नगर पालिकाओं में ये विकास दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, स्वयं सहायता समूह हैं या अन्य लोग भी हैं जो रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगाते हैं, उन सबको यहाँ रोज़गार का अवसर दिया जा रहा है। दुकानें लगाएंगे वो, जिससे अपना आत्मनिर्भर उनको बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से भी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए जानकारी, इसके अलावा जो हमारे तमाम सारे स्टॉल लगे हुए हैं वो स्वयं सहायता समूह के भी लगे हुए हैं, सरकारी विभागों के भी लगे हुए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एक ही मेले के अंदर लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता तो वो किस तरह से सरकारी मदद ले सकता है, प्रधानमंत्री आवास अगर वो चाहता तो वो किस तरह से उसको मिल सकता है, या पीएम स्वनिधि योजना के तहत वो 10,000 का लोन उसको कैसे मिल सकता है, ये सारी जानकारी ये इस मेले में दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना के समय से जो लोग घरों में रह रहे थे, बोरिंग महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, और इसके अलावा बच्चों के झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो और इसके अलावा पूरे स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक मंच, हमारा जनमंच पर बहुत सारे प्रोग्राम्स शाम को 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक किए जाएंगे। तो ये मेला लगभग 28 तारीख से आज इसका उद्घाटन हो रहा है और 4 तारीख तक चलेगा। तो इसमें स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे स्थानीय कलाकार हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, बच्चे यहाँ पर डांस प्रस्तुत करेंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा, लोगों में उत्साह आया हुआ है और लोगों की सोच बदलेगी। हम स्वच्छता का भी संदेश देना चाहते हैं, कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका भी हम लोग यहाँ पालन करा रहे हैं। तो अब एक जनमानस में एक बहुत ही उनको अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस मेले में आएँ और इसका आनंद लें और अपने को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और अपने को मजबूत रखें।